नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज में विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। केएल राहुल को इस सीरीज में आराम दिया गया है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नए विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। इस रेस में 24 साल का एक युवा खिलाड़ी सबसे आगे चल रहा है। ये खिलाड़ी हाल ही में श्रीलंका सीरीज में भी टीम का हिस्सा था, लेकिन इस खिलाड़ी को टीम में मौका नहीं दिया गया। भारतीय सेलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए बतौर विकेटकीपर ईशान किशन और केएस भरत को टीम में शामिल किया है। इस सीरीज में केएल राहुल को रिप्लेस करने के लिए ईशान किशन सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। ईशान किशन ने भारत के लिए अपने आखिरी वनडे मैच में दोहरा शतक भी जड़ा था। ईशान किशन इस सीरीज से पहले भी कई मौके पर भारत के लिए बतौर विकेटकीपर खेल चुके हैं। वह इस सीरीज में भी इसी रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं ईशान किशन के बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वह काफी समय से बतौर ओपनर टीम में शामिल किए जा रहे थे, लेकिन वह अब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। बतौर ओपनर रोहित शर्मा के साथ शुभम गिल टीम की पहली पसंद रह सकते हैं। ईशान किशन ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मैच बांग्लादेश दौरे पर खेला था। दोनों टीमों के बीच खेली गई वनडे सीरीज के आखिरी मैच में ईशान किशन को शामिल किया गया था। इस मैच में उन्होंने 210 रन की पारी खेली थी, लेकिन इसके बाद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ईशान किशन ने भारतीय टीम के लिए 10 वनडे मैचों में 417 रन बनाए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक शामिल है। वहीं 24 T20 मैचों में 629 रन बनाए हैं। अगर बात करें ईशान किशन के IPL करियर के बारे में, तो ईशान किशन IPL में मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हैं और मुंबई इंडियंस ने IPL 2022 में ईशान किशन को सबसे महंगे विकेट कीपर के रूप में अपनी टीम के साथ जोड़ा था। अब अगर बात करें इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली सीरीज के बारे में, तो अगर टीम इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम करती है और न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करती है, तो टीम इंडिया वनडे की रैंकिंग में नंबर 1 पे आ जाएगी और टीम इंडिया को वनडे में नंबर 1 की रैंकिंग आने पर बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि इसी साल अक्टूबर में वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसके लिए टीम अपनी तैयारी को पूरा कर सकती है। तो देखना होगा क्या टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप कर सकती है और वनडे में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।